हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार अन अकेडमी ऐप पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रोज़ाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स जीके। यह करंट अफेयर्स आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे साथियों, करंट अफेयर्स जीके के लिए आपने हमारा चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के इच्छुक हैं तो राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अन अकेडमी पर मुझे फॉलो करें। अन अकेडमी पर विवेक कुमार के नाम से मेरा अकाउंट है, वहाँ पर मुझे फॉलो करें। राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने का मजा लें। अन अकेडमी पर फॉलो करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ करंट अपडेट, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्विज और हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कॉम्पिटिशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज़, राष्ट्रीय समाचारों की। द सेंट्रल एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB हैव साइंड ओन $85 मिलियन लोन टू इम्प्रूव स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम इन ओडिशा। ओडिशा में कौशल विकास पर्यावरण प्रणाली में सुधार के लिए केंद्र और एशियाई विकास बैंक ADB ने $85 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट न्यूज, पैसा पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन SS ए सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर प्रोसेसिंग इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन बैंक लोन ऑन टू बेनिफिशियरीज अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन DAY NULM वाज लॉन्च्ड बाय श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी जीवन मिशन DAY NULM के तहत लाभार्थियों को बैंक ऋण पर ब्याज सबवेंशन प्रसंस्करण के लिए केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक मंच पैसा पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन ऐसे शुरू किया है। नेक्स्ट, होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह अनाउंस्ड ए पान इंडिया सिंगल नंबर इमरजेंसी मोबाइल ऐप 112 इंडिया एंड स्टेड दैट इट विल हैव ए स्पेशल वुमेन सेफ्टी फीचर साउट टू गेट इमीडिएट असिस्टेंस फ्रॉम पुलिस एंड वॉलेंटरीज। इट इज कनेक्टेड टू द इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक अखिल भारतीय आपातकालीन मोबाइल ऐप 112 इंडिया की घोषणा की और कहा कि पुलिस और स्वयंसेवकों से तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए इसमें विशेष महिला सुरक्षा सुविधा साउट होगी। यह आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली ERSS से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर सत्यपाल मलिक लॉन्चेज द एम्बिशियस आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY स्कीम विच वुड बेनिफिट ओवर 31 लाख रेजिडेंट्स इन द स्टेट। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY योजना शुरू की है, जो राज्य में 31 लाख से अधिक निवासियों को लाभान्वित करेगी। नेक्स्ट, नागालैंड बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट एंड सेकेंड इन द कंट्री आफ्टर हिमाचल प्रदेश टू लॉन्च ए पान इंडिया सिंगल नंबर 112 इमरजेंसी मोबाइल एप्लीकेशन विच विल हैव ए स्पेशल वुमेन सेफ्टी फीचर फॉर इमीडिएट असिस्टेंस फ्रॉम पुलिस एंड वॉलेंटरीज। नागालैंड एक अखिल भारतीय एकल नंबर 112 आपातकालीन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला पूर्वोत्तर में पहला और हिमाचल प्रदेश के पास देश में दूसरा राज्य बन गया है, जिसमें पुलिस और स्वयंसेवकों से तत्काल सहायता के लिए विशेष महिला सुरक्षा सुविधा होगी। नेक्स्ट, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड ED द इन्वेस्टमेंट प्रमोशन आर्म ऑफ द किंगडम ऑफ
बहरीन साइंड एन एमओयू विद द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर कॉपरेशन बिटवीन द टू अथॉरिटीज टू प्रमोट फाइनटेक इन दियर रेस्पेक्टिव मार्केट्स। बहरीन साम्राज्य की निवेश संवर्धन शाखा आर्थिक विकास बोर्ड ईडीबी ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ताकि दोनों अधिकारियों के बीच सहयोग के लिए एक ढांचा प्रदान किया जा सके ताकि वे अपने संबंधित बाजारों में फिनटेक को बढ़ावा दे सके। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कतर हैज अनाउंस्ड इट्स डिसीजन टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपीईसी फ्रॉम जनवरी 2019 एंड फोकस मोर ऑन द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस। द अनाउंसमेंट वॉज मेड बाई कतर्स न्यू एनर्जी मिनिस्टर साद अल काबी। कतर ने जनवरी 2019 से तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपीईसी को छोड़ने और प्राकृतिक गैस के उत्पादन पर अधिक ध्यान देने के अपने फैसले की घोषणा की है। यह घोषणा कतर के नए ऊर्जा मंत्री साद अल काबी ने की थी। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति। द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन IAAF अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ जॉन रिजॉन एज इट्स न्यू CEO फॉलोइंग अप्रूवल बाय द IAAF काउंसिल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ इट्स 15th काउंसिल मीटिंग इन मोनाको। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन IAAF ने मोनाको में अपनी 215वीं परिषद की बैठक के पहले दिन IAAF परिषद द्वारा अनुमोदन के बाद जॉन रिजॉन को अपने नए CEO के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्राइवेट सेक्टर लैंडर यस बैंक लिमिटेड अपॉइंटेड फॉर्मर IRDI चीफ TS विजयन एज एन एडिशनल डायरेक्टर इंडिपेंडेंट फॉर 5 ईयर विद इमीडिएट इफेक्ट। निजी क्षेत्र के ऋणदाता यस बैंक लिमिटेड ने पूर्व IRDI प्रमुख TS विजयन को तत्काल प्रभाव से 5 साल तक एक अतिरिक्त निदेशक स्वतंत्र के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट न्यूज पवन सिंह हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड वन ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ द जज कमेटी ऑफ द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF। पवन सिंह इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF की न्यायाधीश समिति के 7 सदस्यों में से एक चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए। श्री सिंह नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI के संयुक्त महासचिव के पद पर भी हैं। नेक्स्ट अजय नारायण झा द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी टू सक्सेस हसमुख अधियाप हु रिटायर्ड ऑन November 30। व्यय विभाग के सचिव अजय नारायण झा को 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए हसमुख अधिकिया के बाद नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अवार्ड पुरस्कार रियल मैड्रिड एंड क्रोएटिया मिडफील्डर लुका मॉड्रिक वॉन बैलन डी और 2018 इन पेरिस। रियल मैड्रिड और क्रोएशिया के मिडफील्डर लुका मॉड्रिक ने पेरिस में बैलन डी और 2018 जीता है। नेक्स्ट दिल्ली मिनिस्टर ऑफ फूड सप्लाईज एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड इलेक्शंस इमरान हुसैन वाज अवार्डेड बाय द पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल पेटा इंडिया फॉर बैनिंग द चाइनीज मांजा और द ग्लास कोटेड काइट स्ट्रिंग्स अक्रॉस दिल्ली। दिल्ली खाद्य आपूर्ति पर्यावरण और वन और चुनाव मंत्री इमरान हुसैन को पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल पेटा इंडिया द्वारा दिल्ली भर में चीनी मांजा या ग्लास लेपित पतंग धागों पर प्रतिबंध के लिए सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट बैंकिंग न्यूज बैंकिंग समाचार द यूरोपियन सेंट्रल बैंक लॉन्चेज ए न्यू सिस्टम एम्ड एट लेटिंग बैंक्स सेटल पेमेंट इंस्टेंटली अक्रॉस यूरोप हेल्पिंग देम टू कंपीट विद पेपल एंड अदर ग्लोबल टेक जायंट। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने यूरोप में तुरंत भुगतान करने की अनुमति देने के उद्देश्य एक नई प्रणाली लॉन्च की है जिससे उन्हें पेपल और अन्य वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचार इंडियन स्टार रेस्लर विनेश फोगाट एंड साक्षी मलिक सक्सेसफुली इमर्ज
चैंपियंस इन द 57 kg एंड 62 kg टाइटल रेस्पेक्टिवली इन द टाटा मोटर सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप। भारतीय स्टार पवन पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक टाटा मोटर्स सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप में 57 kg और 62 kg के खिताब में चैंपियन के रूप में उभरी हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, उल्लास नारायण बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन इंडिविजुअल मेडल विनर इन एन इंटरनेशनल अल्ट्रा रनिंग इवेंट बाय क्लिंचिंग ए ब्रॉन्ज इन द 2018 इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनिंग IAU 24 आवर्स एशिया एंड ओसेनिया चैंपियनशिप इन ताइपी। उल्लास नारायण ताइपे में 2018 इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनिंग IAU 24 घंटे एशिया और ओसेनिया चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनिंग स्पर्धा में पहले भारतीय व्यक्तिगत पदक विजेता बन गए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी आज के मुख्य समाचार, करंट अफेयर्स, करंट न्यूज, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, वो कमेंट बॉक्स में डालें। अनअकैडमी ऐप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हमें फॉलो करें और साथ ही साथ यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।